तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफी खास और स्पेशल रहने वाला है। आज करने वाला है अनबॉक्सिंग रिटेल रिव्यू जो है MC72 Pro स्मार्ट वॉच, जो कि एप्पल की क्लोन वॉच है। और गाइस देखेंगे क्या खास और यूनिक है। लेकिन गाइस अभी से इसके जो मेजर फंक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 50 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सो गाइस देखते हैं और क्या खास और यूनिक है। और हाँ, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, हमने ये परचेस किया है इंस्टाग्राम सेलर गैजेट 360 हब से, और ये काफ़ी ट्रस्टेड है। ऑफ कोर्स आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हो, और इसका जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी लो है कंपेयर टू अदर। और ऐसे कुछ पैकिंग में मिल जाता है, कट कर देते हैं, प्लास्टिक को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और डब्बे को ओपन कर देते हैं। तो हमें इस तरह से कुछ पैकिंग में मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मिल जाता है हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल और सिलिकॉन स्ट्रैप्स। इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे एक मैग्नेटिक चार्जर है जो पिन टाइप चार्जर है, और स्मार्ट वॉच का डायल। तो गाइज इतना आपको मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। सो यहाँ पे है स्मार्ट वॉच का डायल, इसे रिमूव कर देते हैं प्लास्टिक को। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, एक स्लॉट है उसके अंदर यहाँ पे आपको स्लाइड करना है। तो ये हो गया हमारा रेडी स्मार्ट वॉच। पावर ऑन बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं और टर्न ऑन कर देते हैं। तो ये होगा स्टार्ट। आपको लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे राइट साइड में पावर बटन है, लेकिन गाइज वो वर्क नहीं करता है, डमी है। यहाँ पे एक छोटा सा होल है और वर्किंग क्राउन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ से आप जो वॉच फेसिस है उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या तो फिर इसे मेन्यू के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो होल है, जिसमें से एक छोटा सा स्पीकर है, और पीछे आपको चार्जिंग डॉट्स विद हार्ट रेट मॉनिटर सेंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे वॉच फेसिस का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ये है हमारा कस्टम वॉच फेस। तो आप अपना भी फोटो वॉच फेस के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हो गया नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो काफ़ी सारे यहाँ पे वॉच फेसेस है, और काफ़ी सारे वॉच फेसेस जो वो इंटरेक्टिव यानी कि लाइव भी है और टच रिस्पॉन्सिव भी है। तो ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, and 50. तो ये हो गया हमारा हाफ सेंचुरी। ये हो गया 51, 52, 53, 54। तो टोटल आपको यहाँ पे 50 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं। तो काफ़ी कूल बात है ये गाइस, और वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच फेसेस मेरे हिसाब से कोई इतनी बजट क्लोन वॉच में आपको मिल रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे ब्राइटनेस की, तो गाइस इंडोर कंडीशन में काफ़ी अच्छी यहाँ पे ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, लेकिन गाइस देखते हैं आउटडोर कंडीशन में ये कैसा यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे फुल ब्राइटनेस के ऊपर सेट कर दिया है, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आफ्टरनून के यहाँ पे कम्प्लीटली 12 o'clock हो गए हैं, और देखते हैं आउटडोर कंडीशन में डायरेक्ट सनलाइट में ये कितना विजिबल है। तो गाइस काफ़ी मज़ेदार है ये, आप कम्प्लीटली यहाँ पे क्लियरली आप टाइम को यहाँ पे देख सकते हो, और ये काफ़ी विजिबल है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे मुझे जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी लगी। यहाँ पे एक यूनिक फीचर है वो है ऑलवेज ऑन। जी हाँ गाइज, यहाँ पे भी बजट के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर मिल जाता है, यानी आप कितना भी हाथ घुमा लो, कुछ भी कर लो, एक अलग ही इंप्रेशन जो है वो क्रिएट होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पे टर्न ऑफ रखते हो, तो आप यहाँ पे रेस्ट टू वेक फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, और गाइज वो भी काफ़ी यहाँ पे मुझे अच्छा और काफ़ी एक्यूरेट और फास्ट लगा मुझे। तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर या तो फिर रेस्ट टू वेक फीचर भी मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसे हमने आगे देखा जो वॉच फेसेस है काफ़ी सारे हैं, और ये टच टाइप है यानी इंटरेक्टिव टाइप है, जहाँ से आप शॉर्टकट ओपन कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये यहाँ से आप क्विक एक्सेस कर सकते हो, या तो फिर आप जा सकते हो मेनू में और वहाँ से भी आपका जो हार्ट रेट है उसे यहाँ पे मेज़र कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारा आपको हेल्थ डेटा जो है वो मिल जाएगा, लेकिन गाइज़ बिलीव मी और नॉट, यह थोड़ा मुझे एक्यूरेट लगा। लेकिन कोई भी स्मार्ट वॉच के ऊपर आप यहाँ पे रिलायबल नहीं रह सकते हो, आप यहाँ पे SpO2 ब्लड प्रेशर भी आराम से यहाँ पे मेज़र कर सकते हो, और इसके अंदर एक ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट यानी मन का शांति मोड भी मिल जाता है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे वॉच के अंदर स्पोर्ट्स मोड में मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रनिंग है, या तो फिर हाइकिंग है, या तो फिर आप जंपिंग, या तो फिर साइकिलिंग, बैडमिंटन, तो काफ़ी सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। आप चूज़ कर सकते हो कोई भी स्पोर्ट्स मोड को, और यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिल जाता है, तो आप इजीली एक्टिविटी को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक टाइप पिन चार्जर मिल जाता है, तो चार्जर को यहाँ पे आपको रखना है और वॉच को इसके ऊपर यहाँ पे रख देना है, तो चार्जिंग का इंडिकेटर भी आ जाएगा। अगर बात करें पे बैटरी लाइफ की, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काफ़ी कम बैटरी लाइफ मिलती है, 6 to 8 आवर्स, लेकिन मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। अगर बाहर जाता हूँ फ्रेंड के साथ इंप्रेशन करनी है गाइस, तो ही मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अदरवाइज जो एप्पल का ओरिजिनल वॉच है, यहाँ पे आपको 18 आवर्स का बैटरी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 24 to 48 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल सकता है अगर आप यहाँ पे ऑडियो जो फंक्शन है उसे यहाँ पे आप डिसेबल कर दो, तो गाइज ये एक्ट नहीं करेगा एज अ ब्लूटूथ स्पीकर, और बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा आपका। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसा इसका UI है। जब आप इसके ऊपर टच करते हो तो यहाँ पे आपको मेनू ओपन हो जाता है, राइट या तो फिर लेफ्ट स्वाइप करते हो तो वॉच फेस यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे स्वाइप अप करते हो तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेनू, जिसके अंदर यहाँ पे ब्लूटूथ, म्यूजिक, टॉर्च, यहाँ पे एक वॉइस कंट्रोल है, म्यूजिक तो आ गया, कैल्सी है, और यहाँ पे हमारा है मेनू स्टाइल, तो इतना आपको यहाँ पे मिल जाता है। जब स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मीन्स जो मैसेजेस है यानी कि नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके मेनू के ऊपर कैसा इसका मेनू है। जब आप यहाँ पे टैप करते हो तो मेनू ओपन हो जाता है, सबसे पहले आपको मिल जाता है म्यूजिक कंट्रोलर, यहाँ पे है अपना डायलर, तो आप यहाँ से क्विकली डायल कर सकते हो कोई भी नंबर को। मैसेजिंग है यहाँ पे, आपके जो मोबाइल का मैसेजेस है वो यहाँ पे पूरे का पूरा यहाँ पे लोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ोन बुक, कॉल लॉग, काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर आपको मिल जाते हैं, एक्टिविटी या तो फिर ट्रैकर जो है, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, अलार्म, सीरी, फाइंड माई फ़ोन, कैलसी डिस्प्ले, या तो फिर आप बोल सकते हो कैलेंडर ऐप, यहाँ पे कौन सा आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड करोगे। अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे ये शो करेगा, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, कैमरा कंट्रोल सेटिंग, ब्लड प्रेशर, SpO2, ओ माई गॉड, और सबसे लास्ट में आपको मिल जाता है गेमिंग का ऑप्शन। तो गाइज काफ़ी यहाँ पे स्मूथ UI है और काफ़ी टच रिस्पॉन्सिव वाला है ये। अगर बात करें यहाँ पे गेमिंग की, तो गाइज यहाँ पे आप गेम भी प्ले कर सकते हो, तो जब आप जाते हो मेनू के अंदर तो सबसे लास्ट ऑप्शन मिल जाता है गेम, फाइटर प्लाइट, फुटबॉल, जोमी, ब्लड मीन्स बर्ड्स फ्लाई, टेडी बियर, एस्केप, काफ़ी सारे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम गेम जो है वो सिलेक्ट करते हैं फुटबॉल को, और देखते हैं कैसे इसको प्ले करते हैं। तो ऐसा कुछ ग्लोल वोल कुछ करना रहता है, ठीक है, चलो ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है ये। सेकंड जो गेम है गाइज, यहाँ पे हमारे पास है फाइटर पायलट। जी हाँ गाइज, ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट है, आप शायद मीन्स बचपन के अंदर इसे प्ले भी किया होगा, और काफ़ी अच्छी तरीके से ये प्ले होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मज़ा आ गया गाइज मुझे तो यहाँ पे प्ले करके। उसके बाद देखते हैं कौन सा गेम है हमारे पास, ये है जोम्बी प्लांट्स, तो ये कुछ मज़ेदार नहीं लगता है मुझे, ठीक है ये जाने तो, इतना अच्छा नहीं है ये। इसके अलावा जाते हैं फिर से गेम में, तो यहाँ पे है बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, तो स्टार्ट, ठीक है, तो इसको आपको टैप 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 करना है, यानी बर्ड जो है ऐसे वो मीन्स उड़ता रहना चाहिए, कहाँ पे भी ऐसे टुक नहीं हो जाना चाहिए, चलो ठीक है। उसके अलावा सबसे लास्ट गेम कौन सा है, तो वो है हमारे पास टेडी बियर, ओ ये कुछ अलग है, एक्सीडेंट हो गया भाई, तो एक्सीडेंट नहीं करना है, ऐसे घूमते रहना है, तो जब भी ये जाएगा ऐसे वापस आना है, चलो ठीक है, ये भी कुछ इतना मज़ेदार गेम नहीं है। लेकिन गाइस कहने की बात ये है कि आपको यहाँ पे गेमिंग मिल जाता है, यानी इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी फास्ट है, और UI भी काफ़ी यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, और
काफी सारे वॉच फीसेस भी है, तो बेस्ट है प्राइस के हिसाब से। करें यहाँ पे फाइनल मीन्स कंक्लूजन में, तो जो हमारे पास MC72 प्रो है वो काफी मिलती जुलती है W28 प्लस से। जी हाँ गाइज, ऑलमोस्ट सभी फीचर वॉच फेसेस काफी यहाँ पे मुझे सिमिलर लगे, सिर्फ यहाँ पे जो वॉच है उसका ही नाम यहाँ पे अलग आता है। और दोनों के अंदर यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, हार्ट रेट डेटा, SpO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, काफी सारे यहाँ पे हेल्थ डेटा भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो खास और यूनिक फीचर है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सो गाइज, बिलीव मी, काफी मस्त है, बजट के अंदर आप इसे ऑफकोर्स परचेस कर सकते हो। परचेज लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। सो गाइज, आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।